नमस्कार, मैं मिथुन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 मेंस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपका जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो आपका आउट हो चुका है, तो स्टेटस किस तरीके से आपको देखना है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो अदर रीज़न है, जो बचे हुए रीज़न है, उनका जो स्टेटस है वो कब तक आएगा। उसके अलावा जो सीजीएल 2023 वाले बच्चे जो रिवाइज रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान थे उनके लिए बैड न्यूज़ है। अब बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो, इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका एडमिट कार्ड का जो स्टेटस है या रीज़न का वो आपका आ चुका है। यहाँ से आप अपनी जो डिटेल है वो डाल के देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट पर होगा और उसके अलावा आपका जो सिटी वगैरह है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको ईयर रीजन की साइट पे जाना है। वहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके अलावा कैंडिडेटर जो नेम है आपका वो आपको डालना है, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, और बस आपको यहाँ पे ये जो सम टाइप का कुछ दिया होगा बस ये डाल के आपको नेक्स्ट करना है। इस तरीके से आप अपना जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो बचे हुए रीज़न है उनका स्टेटस कब तक आएगा। तो ईयर रीजन का आ चुका है, आपको बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक दो दिन के अंदर बचे हुए जितने भी रीज़न हैं उन सभी का स्टेटस आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो टाइपिंग पैसेज हैं उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। उसके अलावा हम आपको यहाँ पे 250 एक्चुअल CHSL सीजल में जो आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस आपको इन्हीं पैसेज को प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आने वाले हैं। उसके अलावा आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है, अब केवल 99 रुपीज़ में आप ये 250 के 250 पैसे एक्सेस कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी है वो एक महीने के लिए, यानी कि अगर आपका CHSL का भी एग्ज़ाम है, सीजल का भी एग्ज़ाम है तो आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो ऑफर है आपके लिए इसका आप फ़ायदा उठाइए और लास्ट टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करना है। तो ईयर रीजन का आपका स्टेटस आ चुका है, तो जो भी बच्चे ईयर रीजन वाले हैं वो अपना स्टेटस देख सकते हैं। किस तरीके से देखना है वो मैंने आपको बता दिया। जो अदर रीजन वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक दो दिन के अंदर सभी रीजन का जो स्टेटस है वो आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सीजीएल 2023 के जो बच्चे रिवाइज रिजल्ट के रिगार्डिंग परेशान थे उनके लिए बैड न्यूज़ है। देखो, स्टेटस आने का मतलब साफ साफ है कि SSC जो है वो किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो एग्ज़ाम जो है, जो एग्ज़ाम की डेट है 25, 26, 27, उसमें एग्ज़ाम SSC को कराना ही है। अगर उनको मांग माननी होती तो वो एक दो दिन के अंदर डिसीजन ले लेते। SSC जो है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारी प्रतिष्ठा पे बात है, हमने कुछ डिक्लेयर कर दी तो हम दोबारा जो है उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। तो अब चेंजेस की पॉसिबिलिटी भी नहीं है क्योंकि जो मेंस है उसके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और स्टेटस अगर SSC ने जारी कर दिया तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि अब कोई मतलब नहीं है। तो जो बच्चे 2023 के रिवाइज रिजल्ट के रिगार्डिंग परेशान थे तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, मानता हूँ कि ये बहुत काफ़ी मुश्किल टाइम है आपके लिए, होता है, लाइफ में चीज़ें होती हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हिम्मत नहीं हारनी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपका 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है या कोई अदर एग्ज़ाम जो है उनकी आप प्रिपरेशन करिए, हिम्मत आपको नहीं हारनी है। और बाकी अब इन चीज़ों में मत पड़िए क्योंकि इसमें आपका टाइम खराब ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि SSC जो है अब इसमें जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो टाइम से ही होगा, 25, 26, 27 को होगा। उन्होंने स्टेटस भी आपका जारी कर दिया है। तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं है, फालतू का अपना भी टाइम आप खराब मत करिए और अपनी जो आगे वाले एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन करिए। तो सीजीएल 2023 के वो बच्चे जो रिवाइज रिजल्ट के रिगार्डिंग परेशान थे उनके रिगार्डिंग ये काफ़ी बैड न्यूज़ है कि SSC ने कोई डिसीजन नहीं लिया और ऐसा लगता भी है कि अब वो कोई डिसीजन लेंगे भी नहीं। ठीक है, बाकी जो मेंस वाले एस्पिरेंट जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अपडेट है कि आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस आपका आउट हो चुका है। आप अपना सिटी वगैरह देख सकते हैं कि किस दिन आपका एग्ज़ाम है, किस सिटी में एग्ज़ाम है।
तो वो सारी चीज़ें। बाकी मेंस वाले जो भी एस्पिरेंट हैं उनको मेरी एडवाइस है कि लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं और आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है, आप केवल 99 रुपीज़ में ये 250 के 250 पैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। आप डेमो ले सकते हैं, पहले डेमो लीजिए, अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।